महाराष्ट्र में बारिश से हाहाकार, सेना एनडीआरएफ तैनात। केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया गया। राजस्थान में 2 अगस्त से खुल जाएंगे पहली से 12वीं तक के सभी स्कूल। गुजरात हिमाचल ने भी बढ़ाए कदम। उत्तराखंड के बाद कर्नाटक सीएम बदलने की तैयारी। बीएस येदियुरप्पा ने दिए 26 जुलाई को इस्तीफे के संकेत। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के केंद्रीय नेताओं ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा तो वो इस्तीफा दे देंगे। मनीष सिसोदिया के आरोपों को एलजी अनिल बैजल ने बताया निराधार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला। सिसोदिया को लिखे एक पत्र में बैजल ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का कार्यालय भारत के संविधान और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सर्वोच्च सम्मान रखता है। ओलंपियन सुशील कुमार का करीबी सुरजीत पुलिस की गिरफ्त में। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम रखा हुआ था। तीरंदाजी में दीपिका ने किया आगाज। रैंकिंग राउंड में रही 9वें स्थान पर। अब दीपिका का मुकाबला अगले राउंड में भूटान की कर्मा से होगा। हरिद्वार में श्रद्धालुओं के गंगा स्नान पर रोक। गुरु के दर्शन के लिए लानी होगी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। कोरोना के खतरे को देखते हुए 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व स्नान सांकेतिक होगा। शिल्पा शेट्टी को मिली बड़ी राहत। राजकुंद्रा मामले में नहीं भेजा जाएगा समन। मुंबई पुलिस राजकुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी को पूछताछ के लिए कभी भी बुला सकती है। 9 इंजीनियरों की मौत से नाराज चीन ने पाक में रोकी अरबों डॉलर की परियोजना। इमरान सरकार पर डाला दबाव। पिछले हफ्ते तालिबान ने स्पिन बोल्डर जिले पर भी किया था हमला। दिल्ली में बारिश के लिए करना पड़ सकता है इंतजार। तब तक उमस और गर्मी से राहत की उम्मीद। अगले 24 घंटे में दिल्ली NCR में बादल छाए रह सकते हैं।